राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले लोगों की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। दोनों बड़े दल जहां जीत की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं पर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट ने भी माहौल को गर्म कर दिया है। इधर टिकट के दावेदारों के बीच भी जमकर घमासान दिखाई पड़ रहा है, जिसने पार्टियों के भीतर गुटबाजी भी बढ़ा दी है। बात अगर बांसवाड़ा जिले की करी जाए तो यहां पर पार्टियों को अपना उम्मीदवार तय करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। चुनावी मौसम में टिकट कटना और मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पार्टियों के सामने दावेदारों की लंबी फहरिस्त में से किसी एक को फाइनल करना और नाम फाइनल करने के बाद असंतुष्ट नेताओं को मनाकर पार्टी के लिए पूरी जान लड़ा देने के लिए तैयार कर लेना सबसे बड़ी चुनौती होता है। ऐसी ही चुनौती का सामना दोनों बड़े सियासी दल आदिवासी अंचल कहे जाने वाले बांसवाड़ा जिले में कर रहे हैं। जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर टिकटों को लेकर दावेदारों में घमासान है। हर सीट पर तीन से चार दावेदार हैं। एक विधानसभा सीट तो ऐसी भी है जहां 11 दावेदार हैं। टिकट की चाहत रखने वालों की बड़ी संख्या ने पार्टी के भीतर गुटबाजी भी बढ़ा दी है। बीजेपी जिलाध्यक्ष कहते हैं कि पार्टी के आलाकमान ये तय करेंगे कि किससे टिकट मिले, लेकिन बीजेपी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा के अंदर सब एक है, पूर्व भारतीय परिवार की है। वो संकट जिसको भी टिकट देगा, हाईकमान जो भी तय करेगा, उसके साथ हम पांचों पांच विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जिताएंगे। और ऐसा कोई भी नहीं, जैसे प्रजातंत्र का टिकट मांगने का हकदार रहता है सबको हक, लेकिन जब टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी, सब उनके साथ कार्यकर्ता। जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर अगर टिकट के दावेदारों के बीच चल रहे दंगल की बात की जाए तो तस्वीर कुछ यूं उभरती है। बांसवाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा से मंत्री धन सिंह रावत, मुकेश रावत, हकरू मैडा दावेदार हैं, जबकि कांग्रेस से पीसीसी सचिव अर्जुन बामनिया, छोटी सरवन प्रधान राजेश कटारा, डॉक्टर एलसी मैडा दावेदार हैं। बागीदौरा विधानसभा सीट पर भाजपा से खेमराज गरासिया, कृष्णा कटारा, कमलेश तंबोलिया, डॉक्टर नितेश खाट दावेदार हैं। कांग्रेस से वर्तमान विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया अकेले दावेदार हैं। गढ़ी विधानसभा सीट पर भाजपा से वर्तमान विधायक जीतमल खाट, धर्मेंद्र राठौड़, कैलाश मीणा, निर्मला मकवाना दावेदार हैं, जबकि कांग्रेस से पूर्व विधायक कांता भील, देवीलाल खाट, शैलेंद्र रोत, जनार्दन पटेल समेत 8 नेता दावेदार हैं। कुशलगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा से संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर दावेदार हैं, जबकि कांग्रेस से सज्जनगढ़ प्रधान मोती भूरिया, कुशलगढ़ प्रधान रमिला खड़िया, हरसिंह कटारा, पूर्व प्रधान सवलाल समेत 6 नेता दावेदार हैं। घाटोल विधानसभा सीट पर भाजपा से वर्तमान विधायक नवनीत लाल निनामा, निनामा के बेटे ईश्वर निनामा, सांसद मानशंकर निनामा, प्रधान हरेंद्र निनामा, एसटी आयोग अध्यक्ष प्रकृति खराड़ी दावेदार हैं, जबकि कांग्रेस से पूर्व संसदीय सचिव नाना लाल निनामा, शांतिलाल निनामा दावेदार हैं। इधर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चांदमल जैन का भी कहना है कि जिले में पार्टी के भीतर कोई गुटबाजी है नहीं। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, ना बांसवाड़ा जिले में कोई गुटबाजी है। उम्मीदवारी करने का अधिकार सबको है, जो कार्यकर्ता होता है वो तो यही चाहता है कि मैं विधानसभा में पहुंचूं, लेकिन इसका फैसला करने का अधिकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संजीव जी पायलट साहब हैं, अविनाश जी पांडे साहब हैं, अशोक जी गहलोत साहब हैं, एसीपी जोशी जी हैं और सबसे ऊपर राहुल गांधी जी हैं। भले ही कांग्रेस और बीजेपी जिले में पार्टी के भीतर गुटबाजी से इनकार कर रहे हों, लेकिन जिस तरह के हालात दावेदारों के बीच बने हैं वो पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम भी नहीं है। विधानसभा चुनाव पास आते ही बांसवाड़ा जिले में टिकटों की टेंशन दोनों ही पार्टी को सता रही है। जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस की एक एक विधानसभा को छोड़ दे, बाकी 4 सीटों पर टिकट को लिए मारामारी चल रही है और इस टिकट की लड़ाई में गुटबाजी भी सामने आएगी, जिसका नुकसान विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को उठाना पड़ेगा। कैमरामैन कुणाल त्रिवेदी के साथ अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा।